जब कभी आपको ऐसा नाश्ता बनाना हो जो झटपट से बन जाए और खाने में भी बढ़िया टेस्टी बनकर तैयार हो, तो आप आज की मेरी रेसिपी जरूर ट्राई करें। ये मज़ेदार चटपटा संडे ब्रेकफास्ट आपको और आपके परिवार को जरूर पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल इंडियन फूड में डिजी को सब्सक्राइब कर लें और हम चटपटा संडे ब्रेकफास्ट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे डो तैयार करना है, जिसके लिए एक बाउल में एक कप मक्की का आटा डालें। साथ ही इसमें डालें एक कप गेहूं का आटा, आधा चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच अजवाइन को इस तरह मसल कर डालें, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, नाश्ते में थोड़ा चटपटा बन लाने के लिए आधा चम्मच चाट मसाला, एक चौथाई चम्मच कलौंजी और एक चौथाई चम्मच कसूरी मेथी डालकर इन सभी को मक्की के आटे और गेहूं के आटे में अच्छे से मिला दें। आप चाहें तो इसमें सफ़ेद तिल और धनिया पत्ते भी डाल सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसमें एक हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें उबाल कर कद्दूकस किए हुए दो आलू डाल दें। साथ ही इसमें एक चौथाई चम्मच काला नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर दें। इस नाश्ते को बनाने के लिए अब मुझे इसका डो तैयार करना है, जिसके लिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएं। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करते जाएं, क्योंकि डो हमें थोड़ा सख्त गूंथना है, बिल्कुल जैसा पूरी बनाने के लिए गूंथते हैं। मैंने इसमें पहले कोई भी मिर्ची नहीं डाली थी, तो अब इसमें मैं मिर्ची ऐड कर रही हूँ। इसमें डालें एक चौथाई चम्मच काली मिर्ची पाउडर और एक चौथाई चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालकर इन्हें गूंधे हुए डो में अच्छे से मिक्स कर दें। मक्के का आटा होने के कारण डो थोड़ी देर रखने पर थोड़ा ढीला हो सकता है, इसलिए डो पहले से ही थोड़ा टाइट गूंधें। अगर फिर भी आपको डो थोड़ा ढीला लगे तो इसमें थोड़ा और मक्की का आटा या गेहूं का आटा ऐड कर सकते हैं। अब इस पर एक चम्मच ऑयल डालकर इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। ये देखिए, डो गूंधने के लिए इसमें मैंने एक कप में से सिर्फ इतना पानी ही इस्तेमाल किया है। डो को रखने के बाद अब हम फटाफट से चटनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ मैंने लिए हैं 3 टमाटर और 2 हरी मिर्चें। इन्हें मैं गैस पर थोड़ा भून लूंगी, जिसके लिए इन्हें इस तरह गैस पर एक स्टैंड रखकर उसके ऊपर रख दें। गैस मैंने मीडियम लो पर रखी है। इन्हें थोड़ी थोड़ी देर में उलट पलट कर हर तरफ से थोड़ा भून लें। इन्हें भुनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 1-2 मिनट में ही ये थोड़े भुन जाएंगे, जैसे हमें चटनी बनाने के लिए चाहिए हैं। ये देखिए, हरी मिर्च भुन गई है, तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और साथ ही टमाटर भी भुनकर तैयार है, तो अब गैस बंद कर दें और टमाटर भी प्लेट में निकाल लें। अब इस तरह टमाटर का छिलका उतार लें, जो कि भुने होने के कारण बहुत ही आसानी से उतर जाएगा। अब मुझे इन्हें ग्राइंड करना है, जिसके लिए एक ग्राइंडिंग जार में भुनी हुई 2 हरी मिर्चें इस तरह काट कर डाल दें। इसमें डालें 3-4 लहसुन की कलियां, आप चाहें तो लहसुन को भी भुनकर डाल सकते हैं। बारीक काटा हुआ एक प्याज और भुने हुए टमाटर भी इस तरह चॉप करके डाल दें। बढ़िया टेस्ट के लिए इसमें आधा चम्मच काला नमक डालें और इन्हें एक साथ ग्राइंड कर लें। चटनी हमें बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनानी, चटनी की हमें बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। आप चाहें तो सभी चीज़ों को हैंड चॉपर में चॉप करके भी चटनी तैयार कर सकते हैं। इतनी देर में डो को रखे हुए भी 10 मिनट हो चुके हैं, तो डो को मैं एक बार फिर से अच्छे से मसल मसल कर गूंथ लूँगी, ताकि डो थोड़ा स्मूथ हो जाए। तो लीजिए, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए डो तैयार है। अब मुझे तैयार डो से पूरी बेलनी है, जिसके लिए थोड़ा सा डो लें और इसे सूखा आटा लगाकर बेल लें। पूरी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी की कितनी मोटाई रखी है। इसी तरह सारे डो से पूरियाँ बेलकर तैयार कर लें।
अब पूरी को फ्राई करने के लिए एक पैन में थोड़ा ऑयल डालें। गैस हाई पर सेट रखें। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है या नहीं ये इस तरह थोड़ा सा डो ऑयल में डालकर चेक कर लें। ये देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब गैस मीडियम हाई पर सेट कर दें और इसमें एक एक करके पूरियां डालकर फ्राई कर लें। पूरी को बारी बारी उलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लें। पूरी को कभी भी कम गैस पर ना पकाएं, नहीं तो ये अच्छे से फूलेंगी नहीं। एक दो मिनट बारी बारी उलट पलट कर दोनों तरफ से फ्राई करने पर जब पूरी फूल जाए और गोल्डन ब्राउन कलर की नजर आने लगे तब पूरी फ्राई होकर तैयार है। इसका मैक्सिमम ऑयल ड्रेन कर लें और इसे अब्सॉर्बिंग पेपर पर निकाल लें और इसी तरह बाकी की बेली हुई पूरियों को भी ऑयल में डालकर फ्राई कर लें। ये रेसिपी बहुत सिंपल होने के साथ साथ बहुत ही डिफरेंट भी है, तो आप भी ये आसान सी रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करें। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। ऐसी ही और आसान और टेस्टी नाश्ता रेसिपीज देखने के लिए अभी मेरे चैनल इंडियन फूड मेडिसी को सब्सक्राइब कर लें।